Hello students, good morning all of you and welcome again to our class. Students, today we have only one target. That target is magnetic field. We have to calculate at a point on the axis of circular coil carrying current. Students, we have a circular coil that carries a current, and on that axis of that circular coil we have to find the value of magnetic field. है ना, तो पहले मेरे को एक सर्कुलर कोइल भी ढूंढनी पड़ेगी भाई, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर कोइल के बिना हम एग्जांपल नहीं दे पाए। अरे यार, सर्कुलर कोइल भी मिल जाओ भाई, सर्कुलर कोइल जो सबसे पहले जो बच्चे लाइव आ चुके हैं प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें फटाफट से, तब तक मैं सर्कुलर कोइल भी ढूंढ लेता हूँ साथ साथ, क्योंकि हमें उस कोइल के साथ डील करना पड़ेगा भाई। वेरी गुड, जो बच्चा आ रहा है वो फटाफट से चैट बॉक्स में आए अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दे। जो जो बच्चे लाइव आ चुके हैं वो अपने अटेंडेंस फटाफट से मार्क करवाते जाएं। वाओ, दोबारा से लाइव आना पड़ेगा भाई। अब जो बच्चे लाइव आए हैं, अरे यार ये नेट, जो बच्चे लाइव आ चुके हैं दोबारा से प्लीज एक बार दोबारा से अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दें। अमृतपाल, अब दोबारा से जो आए हैं बच्चे, बीच में कनेक्शन लॉस हो गया था, अब जो बच्चे लाइव आ चुके हैं वो एक बार फिर से मैसेज कर दें बेटा मेरे को। साहिल, गीताक्षी, आकर्षण वालिया, ऐश, मनिंदर सिंह, बच्चों जो दोबारा कर दो बेटा एक बार, गुरलीन बाजवा, हर्षिता, आयुषी, हरजोवन, पायल जारियाल, जो जो बच्चे दोबारा लाइव आ चुके हैं वो अपनी अटेंडेंस एक बार फिर से मार्क करवा दें बेटा। अरमान भारद्वाज, ये मनीषा एटवेल ए से, मंजोत कौर, हर्षित शारदा, फटाफट से मेंशन कर मैसेज करें बेटा फटाफट से। एम नंदन प्रीत कौर, मंजू चौधरी, जो बच्चे दोबारा लाइव आए हैं वो प्लीज दोबारा अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। अंशुल, जैस्मीन कौर,
12A प्रशांत 12C आशप्रीत कौर। जो जो बच्चा दोबारा लाइव आया प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कराए। जसलीन कौर, हमराज, गुरलीन सैनी, फटाफट मार्क करवाओ बेटा, टाइम ज्यादा हो गया हमें, बहुत टाइम हो गया हमें। चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बीच में जो भी बच्चा आएगा मैं कमेंट बॉक्स में जब आपको लेके जाऊंगा तब आप मेरे को बता देना, मैं उस टाइम पे आपकी अटेंडेंस को मार्क कर दूंगा। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास। एंड टुडे वी हैव ओनली वन टॉपिक फॉर द क्लास, दैट वन टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। वी हैव टू फाइंड आउट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। आई हैव ए सर्कुलर कॉइल एंड मैंने ढूंढ ली वो सर्कुलर कॉइल क्या थी। दिस इज द सर्कुलर कॉइल गाइस, ठीक है ना। अब इस सर्कुलर कॉइल में करंट को ऐसे फ्लो करवा दो आप, ठीक है। अब मैं यहां पे जब डायग्राम इसका बनाऊंगा तब ऐसा बनाऊंगा, ऐसे, ठीक है। तो यानी मैं पिक्चर आपको जो दिखाऊंगा वो ऐसे इस तरह की पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे पास एक सर्कुलर कॉइल होगी जो करंट कैरी करेगी, ठीक है। तो मैं अपने मार्कर वार्कर ढूंढ लेता हूं, एक मार्कर मिल गया, अच्छा, और स्टार्ट कर देते हैं हम अपना काम। रेड वाला दिखेगा, देखिए स्टूडेंट्स, मुझे जो काम करना है, जिस तरह से वर्क यहां पे करना है, देखिए मेरे पास ये है एक सर्कुलर कॉइल, इस तरह से मैंने आपको दिखाया है, यही है मेरे पास कॉइल, ऐसे मैंने पिक्चर आपको दिखाई है। अब हमें कहां काम करना है, इसकी एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि मेरे पास एक स्केल भी था, हां जी, ये रहा। ऐसे इसकी एक्सिस कहां पे है, ये इसकी एक्सिस है, आप समझ रहे हैं, दिस इज इट्स एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है। इसकी एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे। मान लो कि यहां किसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ओके। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को, जैसे जैसे बीच में हमें जरूरत पड़ेगी इसकी हम इसका भी यूज करते जाएंगे। मान लीजिए इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां किसी पॉइंट पी पे जो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे लाई करता है, ओके गाइस, ओके जी। अब देखो बच्चों, इसका रेडियस हम मान लेते हैं, रेडियस हम मान लेते हैं इसका ए के बराबर। लेट अस कंसीडर ए बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल। इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस हम मान लेते हैं जो है हमारे पास ए के बराबर, ओके गाइस। अब देखो बच्चों, मान लो कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज आई, इसमें से भी ऐसे आई, आई करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे आई आई। देखो भाई बच्चों, आपने कैसे कहा है मेरे को, आपने कहा है सर ये है और इसमें से ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे ऐसे करंट आ रहा है, देखो इस तरह से अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको तो ऐसे करंट की एंट्री हो रही है, मतलब यहां से अंदर की तरफ जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है करंट, है ना। तो यानी कि यहां पे जो डीएल है उसका जो नॉर्मल मैं ड्रॉ करूंगा वो उसी की डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में करंट ने एंट्री मारी है। आप दोबारा ध्यान से देखो, मान लो ये कॉइल है आपके पास, ऐसे इसमें करंट आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह की ये डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका हमेशा बाहर की तरफ होगा, ये बात आप याद रखना। अगर करंट की डायरेक्शन ये कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन बन जाएगी। एक बात तो ये है जो आपको यहां पे नोट करने वाली है। दूसरी बात क्या है, देखो बच्चों, देखो हमें यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फॉर दैट मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू यूज बायोट सेवर्ट्स लॉ। अब बायोट सेवर्ट्स लॉ ने क्या हमें बताया, वो बातें हम सुनते होंगे कि यूजिंग बायोट सेवर्ट्स लॉ, यूजिंग बायो सेवर्ट्स, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अच्छा छुप गया, चलो उसको रब कर देते हैं। यूजिंग बायो सेवर्ट्स लॉ, यूजिंग बायो सेवर्ट्स
लो, बायो सेवर्ट्स लो का यूज करेंगे हम। ओके गाइस, ओके। अब देखो आप मेरी बात सुनो ध्यान से बहुत ही। बायो सेवर्ट क्या कहता है? वो कहता है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात कहता है बायो सेवर्ट्स लॉ। बायो सेवर्ट्स लॉ की स्टेटमेंट सभी को याद होगी कि db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अगर डायरेक्शन की होती सीधी बात तो मैं कर्ल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेता, थंब से मैं डायरेक्शन निकाल लेता, बट यहां पे कर्ल से काम नहीं चल रहा। आपने इससे पहले क्या किया? आपने इससे पहले राइट हैंड थंब रूल का यूज किया, राइट हैंड थंब रूल का यूज किया, और आपने क्या निकाल दी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपने मेरे को बता दी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपने मेरे को बता दी। मैं भी मान गया, हमने पीछे न्यूमेरिकल भी करे, उन न्यूमेरिकल्स में भी हमने डायरेक्शन निकाली, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब हमें प्रॉब्लम है कि मेरे पास सर्कुलर कॉइल है तो मैं यहां पे ऐसा काम नहीं कर पा रहा, तो मेरे पास डायरेक्शन निकालने का और भी तरीका है। और तरीका क्या है मेरे पास? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहा हूं आर से, डिवाइड कर रहा हूं आर से, तो आर की बन गया ये क्यू। यानी कि अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है कि डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज कॉन्स्टेंट, आई डीएल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद आर वेक्टर डिवाइड बाय आर की क्यू। दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो, अब डीएल और आर जिस प्लेन में लाई करते हैं उसका परपेंडिकुलर रहेगा कौन? डीबी। यानी कि डीबी इज परपेंडिकुलर टू डीएल एज वेल एज आर। यानी कि यहां पे डीबी जो रहेगा वो परपेंडिकुलर टू डीएल भी रहेगा और परपेंडिकुलर टू आर भी रहेगा। यानी कि ये दोनों जिस प्लेन में लाई करते हैं ना, उन दोनों का परपेंडिकुलर रहेगा कौन? डीबी। दिस इज द थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड। ओके, अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी बातों पे। देखो कैसे, ये तो थी एक जनरल इंट्रोडक्शन कि मुझे यहां पे इस सर्कुलर कॉइल के कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ठीक है जी, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप इस चीज को नोट कर ले चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, चलो कोई बात नहीं, एक बार रहने देते हैं। अब मान लो मैंने यहां से कट करके एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट निकाल लिया, क्योंकि अगर मेरे को बायो सेवर्ट्स लॉ का यूज करना है तो एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट तो मेरे को चाहिए ही चाहिएगा। ठीक है बच्चों, एंड दैट स्मॉल लेंथ एलिमेंट से दिस इज डीएल। अब मैंने क्या निकाला? डीएल। डीएल मैंने कहां से निकाला? ये है आपके पास, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे एंट्री मार रहा है, यहां से मैंने एक टुकड़ा निकाला है, यहां से आप देखिए ध्यान से, मैंने यहां से एक टुकड़ा निकाला है। ठीक है, अब मुझे काम कहां पे करना है? मुझे काम करना है, ये टुकड़ा हुआ यहां पे, ठीक है, यहां पे हुआ ये टुकड़ा ऐसे, और मुझे काम करना है यहां पे ऐसे, समझ रहे हैं आप? ठीक है, मेरी बात को आप समझ गए? ठीक है, अब देखो, अब आप यहां से इस डीएल की डायरेक्शन को देखो, डीएल की डायरेक्शन अगर आप ड्रॉ करो यहां से तो ये इसकी डायरेक्शन जाएगी नॉर्मल। ठीक है, और यहां पे मेरे को एक पॉइंट मिला है ऐसे, देखो यहां पे एक लाइन है ऐसे, देखो ऐसे यहां पे, और यहां से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है ऐसे, यहां से ये देखो भाई ऐसे, देखो मैं थोड़ा सा सही से बनाता हूं इसको, दो मार्कर उठा लेते। अच्छा, इस लेंथ एलिमेंट का नॉर्मल है यहां पे ऐसे, और मुझे किस पॉइंट पे काम करना है? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इन दोनों के बीच अब एंगल देखो, डीएल और आर के बीच एंगल देख लो, आपको दिख भी रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, एंगल कितना है? 90 डिग्री। देखो बेटा, दोबारा बताता हूं आपको, देखो ये है आपका डीएल,
इसको रेड रेड कर देता हूँ हल्का सा, है ना, वैसे ब्लैक करता तो अच्छा रहता। ये मैंने रेड रेड कर दिया डीएल। अब डीएल का नॉर्मल कहां ड्रॉप करोगे आप? यहां, दिस इज द नॉर्मल टू डीएल। ये नॉर्मल हो गया डीएल का। आपको काम कहां पे करना है? आपको काम तो यहां पे करना है किसी पॉइंट पे। अब ये देखो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी कि डीएल और आपको काम कहां पे करना है? यहां इस पॉइंट पे। तो ये क्या है आपके पास? आर। तो आप क्या लिखोगे? फ्रॉम फिगर वी कैन ऑब्जर्व, यानी कि डीएल, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज 90 डिग्री। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले अपना कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ, बायोट सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ, बायोट सावर्ट्स लॉ मुझे कहता है कि क्या कहता है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना। अब आपने कहा कि एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर इज 90 डिग्री, सो DB बिकम्स इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। भाई कितने बच्चों को ये रिंग वाली बात समझ में आई है और कितने बच्चों को इसमें डाउट है कि सर जी आपने तो ना हमें बेवकूफ बना दिया। आ जाओ कमेंट बॉक्स में आ जाओ और मेरे को बताओ कि कितने बच्चों को डाउट है। जिनको डाउट है लिख दो डाउट, जिनका क्लियर है लिख दो क्लियर है सर, ठीक है। आ जाओ कमेंट बॉक्स में आओ फटाफट और मेरे को बताओ कि इसमें डाउट कितने बच्चों को है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में बहुत सारे बच्चों को डाउट रह जाता है। अगर आपका भी डाउट रहा पड़ा है तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, ठीक है। आ जाओ कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट से बता दो कि डाउट है। एश क्लियर है सर? अच्छा, अरे वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। आरक्षण वालिया, साहिल प्रीत, तनिषा, किरणदीप कौर, गुरलीन सैनी, मंजू सार्थक, एश, अच्छा अंशुल राणा, मनजोत, प्रशांत, मन, रीत कौर, पायल जारियाल, आयुषी, अश्वी, जस्मीन, अरमान भारद्वाज, गुरलीन बाजवा, इमनंदन, मनजोत, हर्षित शारदा, दमनजीत, गौरी ठाकुर, हरजोवन, जसलीन कौर, मुकुल। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो कि यहां इसके साथ जो एंगल है ना, मतलब इस डीएल और इसमें रेडियस के बीच ये एंगल मैं मान रहा हूं कितना? फाइव मान रहा हूं। अगर ये एंगल मैंने फाइव माना तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आपके पास ये क्या बचेगा? ये एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस फाइव। अब ये सब कुछ मैं रब करने वाला हूं भाई, ठीक है, काफी टाइम दे दिया मैंने आपको। अब देखो मेरे बच्चों कैसे हमें आगे बढ़ना है। देखो बेटा, अब P पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए P पे। अब देखो भाई, आपके पास ये है कॉइल, ऐसी कॉइल है, ऐसे रख रखी है आपने, ठीक है, और ये है इसकी एक्सिस, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है। अब ये दोनों जिस प्लेन में लाई करते हैं उसका परपेंडिकुलर हमें चाहिए कौन? DP चाहिए। अब हमारे करंट के फ्लो की डायरेक्शन कहां है? करंट के फ्लो की डायरेक्शन है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब डीएल, उसके बाद आर, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए? परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। परपेंडिकुलर होगी, इस तरह से फ्लो हो रहा है, और आउटवर्ड होगी प्लेन में, बाहर की तरफ होगी, ठीक है, बाहर की तरफ होगी। अगर ये हमारे पास कोई ना इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, देन दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है आपके पास।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो जितने बच्चे लाइव दोबारा आ जाए भाई, भाई दोबारा लाइव आना पड़ेगा बच्चों। जो दोबारा लाइव आ चुके हैं वो प्रेजेंट लिखते जाएं, जो दोबारा लाइव आ चुके हैं बच्चे वो प्रेजेंट लिखते जाएं बेटा। जसलीन, गौरी, जस्मीन, मनरीत, आयुषी, अशप्रीत, पायल, जो बच्चे दोबारा लाइव आ चुके हैं वो प्रेजेंट मेंशन करते जाएं। ओके देखो जी, अब आगे स्टार्ट करते हैं इसको। हमने क्या कहा कि डीबी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहां पे पी पॉइंट पे इस डीएल के कारण उसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर रहनी चाहिए। तो डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, देन दिस
इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी। ये हमारे पास डायरेक्शन बनेगी किसकी, डीबी। अब ये हमारे पास डायरेक्शन बनेगी, ये एंगल कितना बनेगा यहां पे 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना होना चाहिए फिर, ये टोटल होना चाहिए 180। तो 180 में से 90 माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा केवल और केवल कितना 5। ये एंगल बचेगा आपके पास क्या 5। यानी कि अब अगर मैं डीबी का कंपोनेंट देखना चाहूं यहां पे, तो वो होगा मेरे पास डीबी कोस 5, डीबी कोस 5, डीबी कोस 5। और दूसरा जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, वो कंपोनेंट बनेगा यहां पे, दिस इज डीबी साइन 5। अब देखो बच्चों, यहां पे जितना रोल इस डीएल का होगा उतना ही रोल इसके ऑपोजिट कंपोनेंट का भी होगा, क्योंकि ये सर्कुलर आर्क है। जितना इफेक्ट ही शो करना उतना इफेक्ट इसका भाई भी शो करेगा। इसका भाई जिसका नाम भी क्या है, डीएल है, जिसमें से करंट भी क्या फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और उसके लिए डिस्टेंस भी बराबर है। तो यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, ये जो डिस्टेंस है पी पॉइंट तक का, ये भी आपके पास आर डिस्टेंस है। अब डीबी की वैल्यू भी इसकी तरह ही होगी, और इस डीबी के डीबी डैश मान लीजिए इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, ये एंगल भी क्या रहेगा फाई रहेगा। तो यहां पे एक कंपोनेंट और भी ऐड हो जाएगा, दैट इज डीबी डैश कोस 5, और एक इसका ये कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट इज डीबी डैश साइन 5। नाउ एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी एंड डीबी डैश इज सेम, नाउ एज मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी एंड डीबी डैश इज सेम, db is equal to db dash, so db sin phi and db dash sin phi will cancel each other, एक दूसरे को cancel कर जाएंगे, resultant will be प्रोवाइडेड बाय, कौन सा कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा, डीबी कोस 5 एंड डीबी डैश कोस 5, डीबी डैश कोस 5। अब देखो भाई, आप दो दो कंपोनेंट तो लेके काम करोगे नहीं, आप तो एक कंपोनेंट ले लोगे, चाहे आप डीबी कोस 5 ले लो चाहे डीबी डैश कोस 5 ले लो, कोई फर्क नहीं है इनमें, है ना, डीबी कोस 5 ले लो चाहे डीबी डैश कोस 5 ले लो, कोई फर्क नहीं है। यानी कि आपको रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ डीबी कोस 5, क्योंकि आप एक टर्म ले सकते हो बेटा, दो दो टर्म लेके आप काम नहीं करोगे भाई। हाँ, आपने कहा कि सब चीज देख रहे हो ऐड हो रहे हैं, दोनों के दोनों ले लो, मतलब दो दो टुकड़े लेके काम करो, ये दो टुकड़ों का आ गया, फिर आगे दो टुकड़ों का, फिर आगे दो टुकड़ों का, ऐसे कैसे मैं ऐड करूंगा, मुझे तो एक एक टुकड़ा लेना पड़ेगा ना। तो मैंने एक टुकड़ा ले लिया डीबी कोस 5, और उसका मैं कर लेता हूं समेशन, और समेशन करके आपके सामने रिजल्ट रख देता हूं, ठीक है, और देख लेते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो डीबी के लिए आपने निकाल ही रखी है वैल्यू, बस जरूरत है तो कोस 5 की, डीबी की वैल्यू है हमारे पास, समेशन रखे यहां पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और कोस होता है भाई बेस अपॉन हाइपो, हाइपो बेस अपॉन हाइपो। अब इस ट्राइंगल में जिसमें हम एंगल 5 को मेंशन कर रहे हैं, उसमें बेस कितना है, बेस आपका इसके रेडियस के बराबर है, दिस बेस इज इक्वल टू रेडियस, हाइपो किसके बराबर है, हाइपो इज इक्वल टू आर, है ना, हाइपो इज इक्वल टू आर। तो आपके पास बी इज इक्वल टू क्या बना, समेशन ऑफ म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डीएल बेस है हमारे पास ए, डिवाइड बाय हाइपो है हमारे पास आर, और यहां पे भी आर स्क्वेयर है तो आर की बन गई क्यूब, क्योंकि आर स्क्वेयर इंटू आर
इज ए आर क्यूब। अब समेशन वाला पंगा भी हटा देते हैं। समेशन वाला पंगा कैसे हटाएंगे, यहां से b इज इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई ए बाय आर की क्यूब इनटू समेशन ऑफ dl। इस पूरे रिंग की लेंथ कितनी होगी, इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर, और इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई r, r रेडियस होना चाहिए, रेडियस है इसका a के बराबर, देन इट्स सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई a, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2 पाई a, 2 पाई a, ये वैल्यू रख दो यहां पे, तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास b इज इक्वल टू बन गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई I into A by R की क्यूब, समेशन dl का मतलब है 2 pi into A, 2 pi into A, 2 pi into A, ठीक है भाई। तो अब देखो 2 pi 2 2 जा 4, अच्छा ठीक है, तो B is equal to बना आपके पास mu not I A square अपॉन 2 आर की क्यूब, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरी करंट, और एक्सिस पे किसी पॉइंट पे लाई करता है वो, ठीक है, एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नोट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर की क्यूब, दिस इज द फाइनल रिजल्ट स्टूडेंट्स। अब इस रिजल्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर लेते हैं, कैसे, इस आर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू यहां पर रख दो, यहां पर रखते ही आपके पास बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई a square divided by 2r की क्यूब means a square plus x square की पावर कितनी 3/2, this is the final result, ये है final result आपके पास, b is equal to mu not I a square divided by 2 into a square plus x square raised to power 3/2, जहां पे a उसका radius है, x perpendicular distance है, तो ये चीज आप note कर लीजिए बच्चों, और मुझे आप बता दीजिए कि इसमें कितने बच्चों को डाउट है या क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, तो कमेंट बॉक्स में आकर फटाफट से मेरे को बता दो कि क्लियर है, अगर डाउट है तो डाउट बता दो। आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक, ठीक है। अच्छा, मंजू, आरक्षण, पायल, प्रशांत, मंजोत, साहिल, जसमीन, जसलीन, गुरलीन, हरजोवन, सार्थक, गुरलीन सैनी, गौरी ठाकुर, अर्शप्रीत कौर, मनरीत कौर, सार्थक महाजन, अच्छा यानी कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। एम नंदन प्रीत कौर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। किरणदीप कौर, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अब हम आगे बात स्टार्ट करते हैं अपनी। देखो अब मुझे टेस्ट करना है कि क्या मैंने जो रिजल्ट निकाला है वो सही निकाला है कि नहीं। अब इसके रिजल्ट को टेस्ट करने के लिए मैं इसके सेंटर पे चला जाता हूं। अगर मैं इसके सेंटर पे गया और मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपको याद होगा एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2a, अगर मेरी ये वैल्यू आ गई फिर तो मैंने रिजल्ट बिल्कुल सही निकाला, अगर नहीं आई फिर तो गड़बड़ है भाई, फिर उस गड़बड़ को सुधारना पड़ेगा। यानी कि अब मैं एक स्पेशल केस के तौर पे यहां पे काम करूंगा, वो स्पेशल केस में किस तरह से मेंशन करता हूं, देखो बच्चों भाई, मान लो कि ये जो P पॉइंट है आपका x डिस्टेंस पे लाई करता है, P पॉइंट कौन सा है यहां पे, दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P, ये है पॉइंट P जहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, ठीक है ना बच्चों। इफ पी लाइज एट ओ, इफ
पी लाइज एट ओ, ओ पे लाइज करने का क्या मतलब है भाई कि अगर ये डिस्टेंस है, अगर ये ऐसे हो जाए, मतलब यहां से उठ के और यहां आ जाए, तो इसका मतलब होगा कि x क्या हो जाएगा, जीरो। अगर x जीरो हो जाएगा तो इसको हमारी मेन इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर वन, पुट इन वन में पुट करो भाई, वन में पुट करते ही b इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 0 रेज टू पावर 3/2, यानी कि ये आ गया आपके पास म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ए स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल 3 हो गया, और ये आया आपके पास म्यू नॉट आई बाय 2a दैट इज इक्वल टू b। क्या हमारी वैल्यू सही है? आंसर इज यस, देन आवर रिजल्ट इज आल्सो करेक्ट। हमारा रिजल्ट भी क्या है, बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इसी पे हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, बहुत इजीली हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप किसी भी सर्कुलर कोइल के फेस को देख के कैसे डिसाइड करते हो कि उसकी नॉर्थ पोलरिटी है कि उसकी साउथ पोलरिटी है, इसके लिए भी छोटी सी एक ट्रिक है। ऐसे ऐसे अगर करंट का फ्लो है, ऐसे ये करंट का फ्लो है यार, एंटीक्लॉकवाइज अगर फ्लो है करंट का, तो फिर आपके सामने ये किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ की तरह बिहेव करेगा। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है, दिस इज साउथ पोल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट के फ्लो की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाए ऐसे फ्लो हो उसका एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो बन जाए उसका, तो आप कैसे प्रेजेंटेशन उसकी देंगे? दिस इज द फ्लो ऑफ करंट आई, इस तरह से फ्लो है, तो ये क्या पोलरिटी शो करेगा? नॉर्थ पोलरिटी ये शो करेगा, ठीक है। देखो बच्चों, ये है हमारे पास